एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुआ बड़ा समझौता। पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। डेपसांग डेमचोक पर दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी पीछे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार बढ़ी। 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे। खींचतान नहीं खत्म हुई तो जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला। शिरूर में उद्धव गुट की शिवसेना को झटका लगा। पार्टी के पुणे जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर आबा काटके अपने समर्थकों के साथ अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस आज नहीं, कल जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। नाना पटोले ने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जारी की जाएगी लिस्ट, आज रात जाएंगे मुंबई। फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग की खबरों को संजय राउत ने बताया हास्यास्पद। बोले मीटिंग की खबर फैलाने वालों ने बीजेपी से ली है सुपारी। उद्धव से डरे हैं बीजेपी के लोग। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने मुंबई आवास पर बुलाई बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। इस बार राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया। यूपी की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव भी नामांकन में मौजूद। मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया बड़ी जीत का दावा। कहा कांग्रेस और एसपी मिलकर उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर दर्ज करेंगे जीत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू ने किया नामांकन। ढोल नगाड़ों और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे कलेक्टर। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह वित्त और आबकारी सहित कई विभाग रखे अपने पास। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय का जिम्मा। बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा चुनाव की वजह से बीजेपी ने बहराइच में कराया दंगा। पीडीएम से घबराई हुई है बीजेपी। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को। भागलपुर में हुए बवाल को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण हुआ हंगामा, ये जांच का विषय। शिमला की विवादित संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू। एमसी कोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हुई कार्रवाई। कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में शिवसेना का प्रदर्शन। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। केआरएफ का पुतला फूंका। पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब देने की मांग। गांदरबल में आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा घाटी में विकास और शांतिपूर्ण चुनाव से बौखला रहे हैं आतंकी। आतंकी हमले की जांच के लिए गांदरबल के गगनगीर पहुंचे एनआईए की टीम पहुंची। कल हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद गगनगीर सोनमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है नजर। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में हुए कार्यक्रम में बोले घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है, लेकिन ये खतरे कितने ही बड़े क्यों न हो हमारे जवानों के सामने टिक नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले राहुल गांधी गांदरबल में आतंकी हमला कायरतापूर्ण। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को बताया गांदरबल आतंकी हमले का डायरेक्टर। राहुल गांधी को भी घेरा, बोले वोट बैंक का मामला है इसीलिए राहुल इस हमले पर चुप रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बने। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर पहुंची सीआरपीएफ पुणे की टीम। स्कूल की दीवार के पास ब्लास्ट की जांच कर रही है। कल सुबह 7:40 पर हुआ था ब्लास्ट। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम को लिखा लेटर। जस्टिस लीग इंडिया चैनल के बारे में जानकारी मांगी। इस चैनल पर शेयर हुआ था धमाके का सीसीटीवी फुटेज। खालिस्तान कनेक्शन की बात सामने। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की कई एंगल से जांच हो रही है।
इसी साल मई महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले भजन गायक अनूप जलोटा, सलमान खान को मांगनी चाहिए माफी। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश लकी पटियाल गैंग तो बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। बदमाशों से 6 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों को स्थायी रूप से भूमि देने की बात कही। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने फिर जोड़े हाथ, 1239 दरोगाओं को नियुक्ति कर पत्र देते हुए नीतीश ने गृह सचिव और डीजीपी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को स्कूलों में ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और रोक भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और एनसीपीसीआर को जारी किया है नोटिस। दिल्ली सरकार ने फिर शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, बढ़ते प्रदूषण को कम करने की कवायद, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अभियान का हिस्सा बनने की अपील। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी हुई एक बस पलट गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, बस में लगभग 50 यात्री सवार। नोएडा में सेक्टर 12 के मॉडर्न स्कूल के बाहर परिजनों ने किया प्रोटेस्ट, प्रिंसिपल को हटाने की मांग, कुछ दिन पहले स्कूल में बच्ची के साथ हुई थी छेड़छाड़। बिहार के आरा में दहेज हत्या के मामले में 4 साल पहले मृत घोषित की गई महिला अब मिली है जिंदा, महिला ने दूसरे शख्स से कर ली थी शादी, महिला के हत्या केस में पति और ससुर काट चुके हैं, 4 साल की सजा।